Good morning, students. Today we will start lesson 1, Nutrition in Plant. Podhon mein Poshan. In class 6, you learn that food is essential for living organism. Bhojan sabhi sajeevon ke liye zaruri hai. You also learn that protein, fat, vitamin and minerals are component of food. Protein, fat, vitamin, ye sab bhojan ke component hai, avyav hai. These components of food are necessary for our body are called nutrients. ये जो कंपोनेंट है प्रोटीन विटामिन फैट मिनरल ये सब न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन बॉडी बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन आवर बॉडी जो जिस क्रिया के द्वारा हम खाने को लेते हैं हमारे शरीर के अंदर और इसका यूटिलाइजेशन इसका उपयोग होता है हमारे शरीर के अंदर उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिलाइजेशन. न्यूट्रिएंट्स का मतलब है द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. जो कंपोनेंट हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स मतलब कि पोषक तत्व बोलते हैं. और न्यूट्रिशन प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो सजीवों के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म जीव के द्वारा वह क्रिया जिससे वो भोजन लेता है उसका उपयोग करता है उसको न्यूट्रिलाइजेशन बोलते हैं. सो द टर्म न्यूट्रिशन रेफर टू ऑल एक्टिविटी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग फूड and its utilization in the body. All living organisms need food that provide energy for various activities. जो भी भोजन हम खाते हैं उससे हमको energy मिलती है. Food is a kind of fuel. ये एक तरह का ईंधन है हमको ताकत देता है. जैसे कोयला जलता है और खाना बनता है तो वो fuel है ईंधन है. तो इसी तरह भोजन भी हमारा एक ईंधन है जो हमको energy देता है. Now plant also need energy and raw material but apart from a few insect eating species plant do not appear to take in food. तो पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है लेकिन वो अपना भोजन खुद नहीं ले सकते. वो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो किसी से भोजन लेते नहीं. जैसे हम तो भोजन लेते हैं हम प्लांट से भोजन लेते हैं एनिमल से लेते हैं लेकिन पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं. दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर वाटर एंड सॉइल. पौधे जो होते हैं वो अपने पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स एयर से लेते हैं सोयल से लेते हैं और मिनरल से लेते हैं वाटर से लेते हैं. तो अब हम देखते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पौधों में कैसे भोजन लिया जाता है. ह्यूमन एंड एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम स्मॉलर एनिमल. जो मनुष्य हैं और दूसरे जानवर हैं वो पौधों से और दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं. जैसे जो बिल्ली है वो चूहे को मार के खाती है शेर है वो हिरण को खाता है इसी तरह से जो हिरण है वो घास को खाता है. तो सभी जो ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं या दूसरे जीवों को मार के अपना भोजन लेते हैं.
Animal and most other organism take in ready-made food prepared by plant. अब जो दूसरे जानवर है, चाहे मनुष्य हो या दूसरे एनिमल हो, वो इन पौधों के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ प्लांट खुद लेते हैं. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ. वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉफ. हेटरो मीन्स अदर और ट्रॉफ मीन्स नरिशमेंट. तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं और बाकी सारे जानवर जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ कहलाते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. वेयर फूड इज इन ऑल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली इन सर्टेन प्लांट. हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये भोजन कैसे बनाते हैं. अब ये सवाल हम सबके मन में आएगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं, उनको ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, इनकी जो फूड फैक्ट्री होती है भोजन बनाने के लिए पौधों में वो कहाँ होती है. तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस. अब हम क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस. अभी इतना समझो कि जो रूट होती है वो जमीन से पानी लेती है
और रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, सबके अंदर जाइलम होते हैं, पाइप के जैसे होते हैं, जिससे पानी ऊपर नीचे सिरों से होता हुआ, स्टेम से होता हुआ लीव्स तक पहुंच जाता है। यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द सन, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ग्रीन प्लांट ऑफ प्लांट इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो अब जब केमिकल रिएक्शन होगी और पौधे क्या करेंगे, पानी लेंगे, पौधे क्या करेंगे, पौधे जो होते हैं वो जमीन से पानी लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके वो भोजन बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जाएगा।
जमीन के अंदर ये नाइट्रोजन नाइट्रेट और यूरिया और अमोनिया की रूप में होती है, जिसको पेड़ की जड़ों पे